नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मलाई से मक्खन निकालना। वैसे तो आप निकालते होंगे और मुझे लगता है सब लोग मिक्सी में ही निकालते हैं, तो मैं आज आपको जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था उसके अकॉर्डिंग मक्खन निकालना सिखा रही हूँ। ये मेरी मलाई है, इसको मैंने कुछ खट्टा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, बस मैंने इसको निकाल के 2 दिन ओपन में रख दिया था, फ्रिज में पड़ी हुई थी, इसको 2 दिन ओपन में रख दिया था। और अब ये मधानी है जो हम पहले लोग यूज़ भी करते थे, और इससे क्या होता है जब हम इसको मलाई को ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं इस तरीके से, तो आपके जो हाथों में है, हम आप सब जानते ही होंगे कि हमारे हाथों में ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और जब हम इसको हिलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वो पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही दब जाते हैं, उन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तभी पहले के लोग जो हैं वो हाथों से काम करते थे, बट आजकल के मॉडर्न टाइम में हम हर चीज़ के लिए मशीन को यूज़ करते हैं, तो रेदर देन आप मशीन को यूज़ करें, मतलब मिक्सी या ब्लेंडर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बजाय आप हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मक्खन तो बन ही जाएगा और साथ साथ आपका जो एक्यूप्रेशर है वो भी हो जाएगा। और अगर जैसे हम मलाई बाहर निकाल के रखते हैं 2 दिन के लिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया बन जाते हैं, जिससे क्या है कि मक्खन जो है वो ईजिली निकल जाता है, आपको उसमें दही वाला खट्टा जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए, हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यू तब तक जब तक कि मक्खन निकल जाए, और आप देखेंगे आपके हाथ भी धीरे 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 गर्म होने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स वो जो पॉइंट्स हैं वो अभी आपके दब रहे और गर्मी भी आ रही है। पहले के लोग हर चीज़ अपने हाथों से करते थे, तो इसलिए वो लोग फिट भी रहते थे। अब हम लोग मशीन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कंपैरेटिव टू मैन पावर। और देखेंगे मक्खन जो है ये बनने ही होना है, जैसे ही बनेगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। बस मक्खन बनने वाला है और थोड़ी देर में, और टाइम भी बहुत कम लगता है इसमें, लेकिन ये है कि आपको मलाई जो है वो बाहर निकाल के रखनी पड़ेगी पहले। सर्दियों में 2 दिन लग जाते हैं और गर्मियों में ये 1 ही दिन में रेडी हो जाती है। मैं तो जब भी बनाती हूँ अपनी मलाई जो है जितनी भी है उसको बाहर निकाल के रख देती हूँ फ्रिज में से, और उसमें ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो मक्खन है हमारा ईजीली निकल आता है। अब ये देखिए थोड़ा लिक्विड हो गया, इट मीन्स मक्खन जो है वो आने वाला है। पहले ये गाढ़ा होता है, ठीक हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पतला होता जाएगा, इट मीन्स इसमें से अब लस्सी निकल जाएगी और हमारा मक्खन जो है वो अलग हो जाएगा। देखिए अब हमारा मक्खन बन चुका है, वाइट मक्खन, वैसे भी बहुत हेल्दी होता है और घर पर बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। मिक्सी में बनाते हैं, ब्लेंडर में बनाते हैं तो वो सब भी ठंडा हो जाता है, हमारा मक्खन भी वेस्ट होता है और एक्यूप्रेशर भी नहीं होता। मेरा ये जो मक्खन है बन चुका है, मैं इसके अंदर ये पानी जो है वो ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी थोड़ी ऐड कर सकते हैं, बर्फ़ ऐड करने से जितना मक्खन है वो इकट्ठा हो जाएगा। गर्मियों में तो बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में इतनी नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी पानी बहुत ठंडा होता है, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप ये देखिए, ये मेरा मक्खन जो है ये निकला है, ये देखिए, बस आप इस मक्खन को अब आप निकाल सकते हैं, वाइट मक्खन है। और देखिए देर कितनी लगी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हाथ से इसको ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।